जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। 18 सितंबर को राज्य में पहले चरण की वोटिंग हो गई है। अब दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर को होगी। इस चरण में सबसे हॉट सीट गांदरबल बनी हुई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला गांदरबल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनकी ये राह ज्यादा आसान नहीं लग रही है। बहरहाल जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में अनुच्छेद 370 एक बड़ा विषय बना हुआ है। अब इसी को लेकर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद लोकसभा चुनाव देखें या फिर विधानसभा चुनाव का पहला चरण देखें, जनता ने लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त किया है, आतंकवाद और अलगाववाद को ना कहा है। जम्मू कश्मीर की जनता शांति और खुशहाली चाहती है, जनता ने विकास देखा है और जनता में उत्साह है। धारा 370 हटने के बाद लोकसभा चुनाव देखें या फिर विधानसभा का पहला चरण देखें, जनता ने लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त किया है, आतंकवाद अलगाववाद को ना कही है, जम्मू कश्मीर की जनता शांति चाहती है, खुशहाली चाहती है और शांति और खुशहाली धारा 370 को खत्म करने के बाद आई, विकास जनता ने देखा, उत्साह जनता में है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को देखा है और आगे बढ़ाया है, अब और आगे बढ़ना है तो कमल का फूल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, फुल स्टेटहुड भी जम्मू कश्मीर को दिलाना है।